नमस्कार दोस्तों, एमसीजी एकेडमी ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरपीएफ के टेस्ट चल रहे हैं। लगातार अपडेटेड वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं। तो आज है दोस्तों 21 अगस्त, और 21 अगस्त के लगातार बंदे बाहर निकल के ये हमें रिपोर्ट करते जा रहे हैं। तो एक्सपीरियंस का ये 44वां वीडियो है, और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज जिन लोगों का हुआ है, कुछ बंदों का कुछ कुछ कहना था, आज जो बंदे निकले हैं उन सभी का एक्सपीरियंस मैंने आपको लगातार देता जा रहा हूँ। और साथ ही साथ जो कोई भी अपडेट होगा, नेक्स्ट डे जो मॉर्निंग में वीडियोज आती हैं उनको जरूर देखिएगा। और प्रत्येक वीडियो को मैं तो कहूँगा प्रत्येक वीडियो देखिएगा, क्योंकि हर बंदे का अपना एक एक्सपीरियंस होता है। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आरपीएफ के ग्रुप्स में शेयर करो। और मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, आरपीएफ ट्रेड टेस्ट नाम से जो नीचे मैंने चैनल क्रिएट किया है, आगे से वीडियो उसी चैनल पर उपलब्ध होगी। पंजाब वाले जितने भी बंदे हैं, 1 तारीख से पंजाब में शुरू होने वाला है, आगे से अपडेट उसी चैनल पर उपलब्ध होगा। क्योंकि हमारी एकेडमिक क्लासेस जो हमारे टीचर्स हैं, वो 1 तारीख से हमारी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। कंपटीशन की क्लासेस और अपना स्कूली शिक्षा वाले सारी क्लासेस आप लोगों को इसी चैनल पर उपलब्ध होंगी। यदि आप उसमें भी इच्छुक हो तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और इन भाई का एक्सपीरियंस पूरा अंत तक सुनिएगा। नमस्कार सर, मैं एमसीजी एकेडमी ग्वालियर से बोल रहा हूँ। सर जी, सर मेरा नाम पवन कुमार है और मैं पेप ग्रुप से हूँ, स्वीपर ट्रेड। हाँ सर, तो आज आपका ट्रेड टेस्ट हो गया सर? जी सर, 21/8/2019 को। मीन्स आज ही हुआ है ना? आज ही हुआ है ट्रेड टेस्ट आपका? हाँ सर, अभी 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 5 मिनट अभी बैठा हूँ रेलवे स्टेशन में अभी। हाँ तो रोहिल्ला स्टेशन है। हाँ, दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन पर बैठे हो ना सर? जी जी सर, बताइए सर किस प्रकार से, सर क्या क्या हुआ? सर मैं आपको एक बात तो बोलना चाहूँगा पहले ही, सर सर इस जी? प्रकार से बताना जिससे आपके भाइयों को थोड़ा सा मतलब हर चीज़ एकदम क्लियर हो जाए। आपको कुछ भी ऐसा छोड़ना नहीं है जिससे आपके भाइयों को बाद में परेशानी हो। ओके सर जी। सर मैंने पूरा कंफर्म कर लिया है कि किस बच्चे को ले रहे हैं, और मतलब हर एक मैंने चीज़। अचीव कर लिया है। हाँ सर, सर हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर बताना है जिससे बंदों को कोई भी परेशानी रहे ही ना। जी जी तो सर मैं ये कह रहा था कि जैसे कोई आए तो नई दिल्ली स्टेशन या दिल्ली जंक्शन कहीं उतरे, तो मतलब कि यहाँ रोहिल्ला स्टेशन आ जाए या विवेकानंदपुरी हॉल्ट है, कि मतलब बगल बगल से दोनों स्टेशन। हाँ सर, और या फिर आना चाहे मेट्रो से तो नौचंद ये शास्त्री नगर उतर ले, मतलब हाँ वहां से उतर के जब 5 मीटर मतलब है दूरी दोनों जगह से, चाहे चाहे ये मतलब ये मेट्रो वाली में चाहे ये रोहिल्ला स्टेशन, बस दोनों पास में है। हाँ सर, तो सर चाहे हम पहुंच गए वहां, मैं तो सर आज लेट पहुंचा था। सर आप कहाँ के रहने वाले हो सर? सर मैं यूपी महोबा का हूँ, ग्राम अटगार। हाँ सर, तो बताइएगा सर किस प्रकार से क्या क्या हुआ सर? सर मैं मतलब वहाँ से 4 बजे लगभग लगा लेते होंगे लड़के ऑनलाइन। हाँ तो मैं थोड़ा लेट हो गया था, मेट्रो 20 मिनट लेट थी, तो मैं 5:06:10 के आसपास पहुंचा था। हाँ सर, तो मेरा लास्ट ही में था, 24वां बैच था। हाँ। 24वां नहीं सर, 23वां था, 24 लास्ट था पूरा। हाँ तो सेकंड लास्ट था, तो वहाँ तो पहले बैठा लेते हैं, फिर 8 बजे के लगभग अंदर करते हैं बारी बारी से 20-20 लोगों को। हाँ सर, हाँ तो उनका बैच बन जाता है, मतलब 20-20 से जहाँ 20 किया तो सर लास्ट तक मतलब 500 लगभग बुला रहे हैं। 500 के लगभग बच्चे प्रतिदिन बुला रहे हैं सर? हाँ सर, 20 में सर 24 लास्ट था, तो उसमें 14 बच्चे थे, तो कुछ अब्सेंट हो गए होंगे सर। हाँ सर, हाँ तो यार तो मतलब 500 के आसपास है, 500 बच्चे प्रतिदिन बुलाए जा रहे हैं यही ना? हाँ 500। हाँ सर, हाँ तो वहाँ बैठा के अंदर कर लेते हैं 20-20 का ग्रुप बना के। हाँ फिर वहाँ फिर एक बार फिर और बैठा लेते हैं। वहाँ सर कहते हैं कि अपना जब तुम्हारा फिजिकल हुआ था उसकी डेट, और वहाँ तुम्हारा कौन सा बैच था, और मतलब कितने बच्चे दौड़े थे, सब पूछते हैं। तो सर पता नहीं होता है कि किसी को, तो कहते थे पूछ लो, मगर सर कोई मतलब निकलता नहीं है कि क्या मतलब है पूछ लेगा। हाँ मतलब उससे कोई यदि पता नहीं हो तो सर कोई परेशानी आ रही है क्या? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ सर आपसे। नहीं सर, वो हमसे तो कुछ नहीं मतलब कहता है कि तुम पूछ लो, मगर सर परेशानी हो जाती है, मगर कुछ काम नहीं है इसका। हाँ मगर जिसका मतलब फाइनल हो सिलेक्शन मतलब पास हो जाते हैं, उसके बाद में पूछते हैं, जब उनका नाम पूछते हैं, जब आके नाम पुकारते हैं ना सर। हाँ हाँ तो सर जब हमें अंदर कर लिया गया, हाँ तो कहे गए हमारे रखवाए, और
बैग रखवा के सर हमें फिर बैठाया गया और वहाँ फिर नाम लेते गए, तो मतलब नाम से हमने हाँ कहा कि हमारा नाम आ गया सर, तो फिर वो करते हैं ये सर फिंगरप्रिंट, हाँ फिंगरप्रिंट करके सर बैठा देते हैं, फिर वहाँ से फिर नंबर लगा के फिर जिसका आ जाता है तो सीधा दो बार मतलब जमा कर देते हैं, जो हमारा ये होता है एडमिट कार्ड, जब हमारा ये होता है फिंगरप्रिंट हाँ। तो वहाँ जमा हो जाता है, फिर वहाँ से बारी बारी बुलाते हैं, तो बुला के दोनों अंगूठे फिर लगवाते हैं दोबारा अपने उसमें, और फिर वहाँ से सीधा भेज देते हैं और टेस्ट के लिए। वहाँ से मतलब पहले जो अपना करवाते हैं उसके बाद जो है अपना ट्रेड टेस्ट के लिए भेज देते हैं। हाँ वहाँ से फिर सर 10-10 लोगों को कह देते कि अंदर आओ। हाँ हाँ जितने लोग हैं 10 से आज आना पहली बार, फिर बोला के अंदर कर लेते हैं। हाँ सर। हाँ तो फिर हमसे तो सर नाम ज्यादा पहले हाँ और गाँव का नाम कहाँ से हो और फिर क्वालिफिकेशन पूछा था। हाँ सर। सर मैंने आईटीआई मतलब काफी लोगों ने बड़ी बड़ी डिग्री बताई है और 12 बता दिया इंटर। हाँ मैंने सर ध्यान नहीं दिया, आईटीआई में भी किया था, मतलब जो उस लड़के ने आईटीआई बता दिया था उसका हो गया है। हाँ हाँ तो सर मुझे पछता हो रहा था कि सर मैं भी किया, अगर बता देता तो शायद हो जाता सर। तो सर फिर क्या हुआ कि क्वालिफिकेशन के बाद सर झाड़ू दे दिया, और पहले वो आप पीछे से लगवाई झाड़ू कोने से हाँ पांच लोगों से, और फिर पांच लोगों के बाद से आगे के लिए करवा दिया, मतलब झाड़ू लगा दो आगे के लिए। हाँ और फिर दोबारा ठाड़ करवा दिया 10 लोगों को। हाँ और फिर 10 लोगों के बाद कहा कि मतलब जिसका हो गया था सिलेक्शन तो उसी के सर नाम पूछा था कि तुम्हारा क्या नाम है कहाँ से हो दोबारा में, और फिर कह रहे थे ठीक है जाओ जाओ। और जो सर यू बैठते हैं अधिकारी तो कह रहे थे कि इसका हो गया गलत चीज कर, तो हाथ के कह देते हैं वो अंदर से अपना। तीन चार लोग बैठते हैं बस समझ जाना होता है कि हो गया हमारा नहीं होगा, अंदर ही कर देते हो अपन। उधर सर हमने ये बात नोटिस की कि जिसका जिसका हो रहा है तो सर वो जींस का पैंट पहन के न जाए, हाँ और मतलब जींस उस तरह की फैशन मतलब न जाए। हाँ सर। हाँ तो मैं तो सर जींस का पैंट पहने तो शायद उसकी तो क्या कह दिया जाए, मतलब ज्यादातर पैंट और लोवर वालों का हुआ सर, मैंने यही बैठ के लास्ट तक देखा है कि जींस में जो एक्शन वैक्शन में गए उनका नहीं हुआ, यही ना। हाँ सर। तो एस टी कैटेगरी वालों को ज्यादा मतलब रेशियो है, क्या एस टी कैटेगरी के जो आते हैं उनका ज्यादा रेशियो, मतलब गरीबी कुछ देख के समझ जाते हैं पर नहीं ले लिया जाए, क्योंकि हमारे में एस टी वाले तो हुए थे और तो वैसे कुछ होगा उसी की। अच्छा एस टी कैटेगरी वालों को अभी भी आरक्षण दिया जा रहा है मतलब वहां से। हाँ सर तो हो गए थे तो समझ में आ रहा था कि हाँ ज्यादातर ले रहे हैं, ऐसा भी है। हाँ मगर सर कुछ स्थिति समझ जाते हैं लगता है वो कपड़े पड़े से। हाँ और मुझे इससे लग रहा था कुछ मतलब और हिसाब से अपने ले लेते हैं, पकड़ा यही होगा, पोछा वोछा किसी से लगवाया था। हाँ और पोछा लगवाया था और किसी से पूछ पूछ रहे थे क्या कैसा है, वो सामान रख के देना हाथ एक है सब फिनाइल की गोली होती है। हाँ ये सब रखा था। और मतलब जैसे कि आप सामान वामान की बोल रहे हो, और कुछ ऐसा पूछा जो मतलब और भी हटके हो और बंदों के साथ का मतलब कुछ किसी से दुर्व्यवहार टाइप का, क्योंकि बहुत से बच्चों का ये कहना आ रहा है कि कोई जुगाड़ वगाड़ ऐसा तो नहीं है ना सर कुछ। सर जुगाड़ था शायद, एक लड़का बता तो रहा था कि उसने कह दिया था ये मेरा भाई है तो कर दिया था, मतलब सर वो अंदर गया होगा जैसे लड़के गए होंगे हाँ वहाँ कोई कांस्टेबल एवल होगा तो वो कह दिया होगा कि ये मेरा भाई है छोटा। हाँ क्या सर हो चाहे हो मतलब कह दिया था तो कह रहे हैं कि उसका हो गया था, मतलब हमारे बैच में ही सर वो लड़का बता रहा था, दूसरा भी है ना मतलब इनका। अच्छा दूसरे बैच का था वो। हाँ हमारे बैच में नहीं था सर, अभी यहाँ मिला था ना स्टेशन में अभी, तो बता रहा था कि वो मतलब उसका कह दिया छोटा भाई है मेरा तो उसका कर दिया था, मतलब इतना हाँ थोड़ी बहुत सर तो चल ही जाता है सर, वो हो जाता है बात नहीं। और क्या है कि किसी से पोछा लगवा लिया किसी से पूछ लिया बस यही चलता है,
मतलब कुछ खास नहीं है, मैं तो इसीलिए लगाया था कुछ स्पेशल हो, तो आप बताइए जिससे बंदों का जो है क्या है कि डिमोटिवेट ना हो, कुछ मोटिवेट कीजिए बंदों को। मैं इसीलिए सब बंदों को कॉल करता हूँ कि जिससे क्या उनका मोटिवेशनल जो है स्तर कम ना हो। मैं हर बंदे सर को मैं कॉल ये करता हूँ। लड़कों को कहूंगा कि सर पहले तो अपना खा पी लें अच्छी तरह से, और खा पी लें, और फिर नहीं तो वहां सर हमें चार चार तो बज ही गया जब निकले, हम लोग चक्कर कराने लगता है। हाँ हाँ, तो खाने आने से नहीं देते हैं, और मोबाइल तो सर लिए मना भी कर देते हैं, और मतलब उतना ज्यादा जोर नहीं है कि मोबाइल ले जाओ अंदर। हाँ मैं तो ले गया था सर, थोड़ी तो वीडियो बनाया था बस, अंदर नहीं बनाया था सर, वो सीसीटीवी कैमरा लगे थे ना सर। बाहर की वीडियो बनाए थे सर, बाहर की वीडियो भेज देना, जैसे आपके भाइयों को थोड़ा सा उससे मदद तो मिलेगी सर। हाँ तो थोड़ी थोड़ी है, ज्यादा मतलब अरे सर जितना है उतना भेज देना सर। ओके, नहीं है सर, और सर कुछ आप? यही कहूंगा कि सर किस्मत है, और जैसा मतलब कर दिया तो हो गया। ऐसा भी है, किस्मत है वो तो। हाँ कुछ किस्मत है, और सर अब यही है कि उन लड़कों से कह देना कि जिम से उसका मतलब कपड़े पहन के ना जाए, लगभग मुझे यही रहता है। हाँ तो क्योंकि ये काफी लड़कों ने डिस्कशन किया था, तो हाँ पहले भी हाँ सोचा था कि हाँ नहीं बात सही कह रहे हैं। हाँ ये नोटिस कर रखा था, मतलब आपको क्या है कि आपके मन में था कि आप हमें बताओगे, इस कारण से आपने ये सब किया ना। जी भी सर, आपने बहुत बहुत हमें जो है सपोर्ट कर रहे हो सर। और बताइए सर कुछ इस प्रकार का बताइए जिससे बंदे मोटिवेट हो। मेरा मेन टारगेट यही है कि बंदों का सिलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, वो आप ही लोगों की क्या है कि बदौलत सर होगा। अंदर जैसे जाते हैं हम, तो ज्यादातर लड़के डर मतलब अंदर से फील होने लगता है, तो सर डर जाते हैं लड़के, तो उसी में सर और पकड़ लेते होंगे, और मुझे हो सकता है मोटिवेशन ये कि सर वो डरे नहीं, वो सर बढ़िया तेज आवाज में बोले, और जिससे वो उनका लगे कि नहीं कुछ करता होगा। इस नाम से कुछ कहा किस जगह से हो, तो सर किसी ने बता दिया यूपी से, झारखंड से, तो कुछ पूरा डिटेल बताओ, तो चीज समझ जाते हैं, घबरा जाते हैं बच्चे। हाँ हाँ, ये भी आपका कहना सही है, बिल्कुल। वो किसी ने ज्यादा क्वालिफिकेशन बता दिया, तो उस चीज में कह देते तुम ये काम करोगे। हाँ जैसे कि इस किसी ने कह दिया पीछे वो बड़ी बड़ी डिग्री एम एस सी एस सी है, जैसे तो कह देते ये काम करोगे, तुम्हारे कोई काम नहीं है, तो फिर ये थोड़ा करोगे तुम, मतलब उस हटाना है जा थोड़ा सा कह दिया, और ये है कि मतलब डरे नहीं सर, वो डर लगने लगता है मतलब अंदर जाके। हाँ, ये भी आपका कहना सही है, डर तो लगने लगता है अंदर जाके। हाँ और ये सोच ले कि सर किस्मत है हमारी, हो जाएगा तो हो जाएगा, और बढ़िया अच्छी तरह से अपना झाड़ू वाड़ू पोछा, और ये यहाँ पे काफी यूज आपने बता ही दिया एक्सपीरियंस वीडियो में सर, तो हाँ, सर बच्चे आपके ये चैनल बहुत देखते हैं, तो सर वहाँ पर सर कुछ बच्चे मिले जो मतलब आरपीए ट्रेड टेस्ट से जो हमसे जुड़े हुए हैं, मतलब। जी सर बहुत लड़के मिले, मैंने भी कहा था कि उससे जुड़ेगा। हाँ सर, हाँ भाई हम भी जुड़े हैं, पूरा तुम्हारा जो सर बता रहे थे एक्सपीरियंस पूरा बायोडाटा पूरा लिखा था, जो आपने आपने बताया था, वो सब फिनाइल की गोली का ये गलत कर देते हैं, डिटोल की उसमें फिनोल डाल देते हैं, फिनोल में डिटोल कर देते हैं सर। हाँ ये सब बच्चे लिखे हुए थे मतलब। सर पूरा कंप्लीट लिखे थे, तो मैं समझ गया था सर, और पूछा भी था तो कह रहे थे हाँ वो जुड़ा हूँ, हाँ तो कह रहे थे बढ़िया है, तो सर मैंने कहा हाँ बढ़िया, मैं भी देखता हूँ कुछ वीडियो। हाँ सर सर मैं अभी तक अभी मतलब चैनल फेमस हो रहा है धीरे धीरे, आरपीएस सब मतलब लगभग लगभग 90 में 100% में 80% लड़का तुम्हारा चैनल देख रहा होगा वहाँ। बिल्कुल सर, क्योंकि सर अपन एकदम जानकारी एकदम फ्रेश दे रहे हैं सर। हाँ सर आप बढ़िया दे रहे हैं, तो सर वहाँ लड़कों का क्या है कि किस्मत सर जिसका हो जाए, मैं भी सब देखता रहूँ क्या। हाँ, ये भी एक बात है, किस्मत है, लेकिन जब तक अपन कोशिश करते हैं जब तक तो अपन करते ही करते हैं। हाँ सर नहीं बताइए, थोड़ा सा झाड़ू ज्यादा ज्यादा 20 सेकंड लगवाया होगा, तो बस क्या होगा, थोड़ा सा आने में क्या देर सर कुछ समझ जाते हो जाते हो। हाँ, ये भी आपका कहना सही है सर। हाँ बस उठाते टाइम देखते हैं, और बस थोड़ा कहा बस ठीक है, थोड़ा सा ऐसे मारा तो रात चलो ठीक है बंद कर दूँ, और हाँ उसमें यह है कि ये बना जाए तो ये सोच लेगी अच्छी तरह से उनके सामने कर देगी, मतलब कि हाँ ये लगे मेरे अंदर से मतलब कोई काम करे मेरा हो जाए, तो वहां करे तो उनके सामने अच्छी तरह से मतलब जैसे पोछा दे, पोछा बढ़िया अच्छी तरह से लगाए, जो मतलब आइडिया होता लगाने का उनके सामने, मतलब उस देखते रहते हैं सबको धीरे धीरे। हाँ तो उनके सामने लगा दे तो शायद ले ले, मगर वो सब ज्यादा नहीं देते हैं लड़कों को।
सर हमारे बैच में 4 लोगों को लिया नहीं थे तो, और कोई कोई का 20 में एक ले लिया, किसी को 40 40 40 में बोल देते थे, तीन तीन लोगों को बस, मतलब दो ग्रुप बैठा देते थे इकट्ठा, तो बोल देते थे कि तीन लोग किसी में 4 लोग, बस 4 से ज्यादा नहीं ले रहे हैं, 4 से ज्यादा ले नहीं रहे हैं। हाँ ये कि अपना टेप अच्छी तरह से अंदर से आप ये रखे कि नहीं हो सकता हमारा, और अच्छी तरह से दिखा दे अपना एक्सपीरियंस कि नहीं हम कर लेते हैं, ये नहीं है कि हम नहीं करते रहे हैं, और नहीं करता रहा होगा सर तो कोई बात नहीं है सर, होगा होना होगा तो मतलब होगा तो हो जाएगा, क्या है सर। डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ बताइए सर बच्चों के, सर डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट्स सर वही है सर, इंग्लिश के सर्टिफिकेट वो सेंट्रल में मांग रहे हैं सर, वो लड़का भी दी हुई है उसका, और कुछ खास नहीं। नहीं वो सर वही क्वालिफिकेशन सर आपने बता ही दिया काफी एक्सपीरियंस वीडियो में सर, हाई स्कूल हो, इंटर हो, जाति प्रमाण पत्र निवास और दो फोटो, और उसके अलावा कोई खास तो नहीं ना। नहीं खास नहीं सर, मैं तो सिर्फ इसीलिए आधार कार्ड पैन कार्ड जरूरी है। आधार कार्ड पैन कार्ड भी? हाँ मतलब देखिए जैसे थोड़ा बहुत जन्म की सिंगल की हो जाती है, मगर कह रहे थे कि है क्या पैन कार्ड, मगर तो कह रहे थे कि हाई स्कूल के मार्कशीट में बन जाए तो जन्म की गलती ना एक लड़की की। अच्छा आधार कार्ड में गलत थी तो कह रहे थे कि नहीं होगा नहीं होगा, तो सर एक कह रहा था कि हो जाएगा हाई स्कूल की जो होती है वो मैंने रहती है। तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए टाइम दे रहे हैं सर कि नहीं दे रहे हैं आप? सर उनका बाद में होता है सर, इकट्ठा कर लेते हैं उन्हें ऐसा सर। हाँ सर पूरे जब बैच मतलब पूरा हो जाता लास्ट तक, हाँ फिर उनका सर करवाते हैं और फिर अपना तसल्ली से वो करवा के चले जाते हैं, अपना बात तो डिसीजन दे देते हैं। 20-20 लोगों को जैसे बाहर निकाला तो आगे वो पाता एक कांस्टेबल एक स्टार वाला तो ना लिया तो बस समझ जाओ चले जाती है तो बस। हाँ ये भी आपका कहना सही है, वो सब चीजें पहले से क्लियर हो जाती हैं। हाँ वो अपना डिस्कशन करते हैं अंदर तीन चारों तो बस कह दिया कि लेकर जाओ बोल दो बस, वो बोल देता अपने इकट्ठा ठाड़ हो जाते हैं, मतलब पूछ जाता रहा उनसे पूछता है कि सर आपका कौन सा बैच में फिजिकल हुआ था कब हुआ था, और मतलब ये लिख ले मतलब याद कर ले सर, वहाँ दिक्कत होने लगी है ना सर, वो मतलब बहुत अच्छी तरह से मतलब जब उनका नाम आ जाएगा तो बहुत अच्छी तरह से नाम है कैटेगरी जो भी है नाम में थोड़ा फर्क अरक नहीं मतलब जो है तो मतलब अच्छी तरह से करते हैं, मतलब वहाँ जब पास हो जाते हैं मीन सब कुछ देखा जा रहा है। हाँ पास होने में ज्यादा हो मतलब बैठ के ज्यादा जोर डालते हैं, जाने में कोई दिक्कत नहीं है। चलो बढ़िया, मैं अपने भाइयों को यही कहूंगा कि सर डरे ना और बढ़िया जो है तो उनके सामने अच्छी तरह से वर्क कर दे, और मतलब जो पूछे तो पूरा एड्रेस बता दें अपना, और जो तो मैं कहता हूँ सर आईटीआई बता दो, लगता है ज्यादा वो हो जाता है सर। यदि उन्होंने बाद में आईटीआई मांगा तो सर उसको कहाँ कोई लिखता थोड़ी है सर उसमें, तो फिर बस दे पूछते बस मात्र बस पूछते हैं, और किसी ने जैसे 12 बता दिया तो 12 तो ज्यादातर अधिकतर लड़के कर ही लेते हैं। क्या सर इंटर का सर जैसे सब कोई बता देता है, जैसे मैंने ही बता दिया था तो उसने एक ही लड़के ने आईटीआई बताया था तो उसी का सर हो गया ऐसा। हाँ मगर वो सर मुझे लगता है सर कुछ कपड़े पड़े उस तरह के पहने थे लोअर ओवर बस ये महाराष्ट्र का था सर, और एक लड़का और हो गया था उसका नाम नहीं पता सर ना उस पर। हाँ मतलब दो हो गए थे वो, मतलब कि उसने पता नहीं कुछ बताया था क्या जो बताया वो मीन्स इसका भी इफेक्ट पड़ रहा है कौन कहाँ से है सर। हाँ सर ज्यादातर राजस्थान वाले हो रहे हैं सर, राजस्थान वाले बंदों को एक्सपीरियंस है। अच्छा अच्छा सर ज्यादातर जो हो सर पता नहीं क्या कैसा क्या है महाराष्ट्र राजस्थान है सबसे, ऐसा ऐसा का कुछ नहीं है सर कि मतलब ना ले मगर ले लेते सब किस्मत है सर, क्योंकि बिहार वालों का भी होता है इसी बार नहीं, झारखंड वाले भी आते हैं, पश्चिम बंगाल के सब कम आते हैं आज मैंने नहीं देखा, पश्चिम बंगाल के बंदे ही कम आते हैं मतलब, अब उधर के लोग वहां से दूर पड़ जाता है। सर आप कुछ ऐसा बताना चाहोगे जिससे मतलब बच्चों को कुछ स्पेशल लगे, क्योंकि आप वीडियो हर एक वीडियो एक ही जैसा होता है तो बच्चे क्या है कि फिर इसको बोर हो जाते हैं, समझ रहे हो बात को? तो आप तो हाँ सर वही वही सुनते रहो तो सुनते क्या हाँ, तो वही तो आप कुछ स्पेशल बताना चाहोगे सर?
सर ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, जिसका मतलब कि जैसे अगस्त होता है तो 8वां महीना होता है अगस्त का, तो सर कोई कोई जैसे कहा कि 24 9 है, जैसे सितंबर का 9 महीना होता है 9, हाँ। हाँ तो सर वो कोई कोई ऐसे मतलब एक लड़का था, वो उसको वाटर कह दिया था 21 सितंबर को था, तो पता नहीं वो आ गया था वो हमारे बैच में, तो जब उसने अपना एडमिट कार्ड दिखाया तो कह रहे थे ये सर नहीं है, तो फिर उसे डांट रहे थे बहुत। हाँ सर वहाँ पे भागे आगे ना, यहाँ वहाँ मतलब बहुत मतलब हो जाते नाराज, कहने लगते हैं एक सर लड़का भागा जा रहा था, उसका मतलब हो गया था फिंगर विंगर प्रिंट सब हो गए थे। हाँ तो भागा जा रहा था, उसको बहुत बहुत वो किया उन्होंने। सर ये कह रहा हूँ कि मतलब खा पी के जाए बढ़िया, और सर क्या बताऊँ सर, और कुछ सही नहीं, मतलब ये है कि सर 9 बजे तक आराम से, 8 बजे या 9 बजे के बीच में कर लेते हैं मतलब लास्ट बैच। हाँ सर हाँ ये है कि जिससे जल्दी जान मतलब करवाना हो कि हमारा जल्दी हो जाए, तो सर 4 बजे से फिर लाइन लगा दी तो पहले हो जाएगा। हाँ ये नहीं एक नाम बोले तो उसी का उसमें वो बैच से मतलब लास्ट में पहुंचेगा तो लास्ट में होगा उसका। ठीक सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद, जो है आपने अपना कीमती समय अपने भाइयों के लिए निकाला है सर। अभी आप सर जो है, क्योंकि सर डेली अपडेटेड वीडियो इसलिए लेकर के आता हूँ, किसी दिन कुछ नया ना हो जाए, इस कारण से मैं सब प्रतिदिन लेके आता हूँ सर। रीजन यही है सर इसका, सिर्फ और कोई रीजन नहीं है, रीजन यही है कि मतलब किसी दिन कुछ नया ना हो जाए, और नया हो गया बच्चों को पता ना लग पाया तो दिक्कत हो जाएगी सर। समझ रहे हो बात को? जी सर, वो तो सब लड़कों को पता ही है सर कि वो बाप पे काफी क्यों सर, वो जो है बस वही पूछते हैं, वो बस झाड़ू लगवा लिया, बस पोछा लगवा लेते हैं। तभी तो सर, लेकिन मैं पर डे नया लेके आता हूँ, जिससे क्या है बंदों का किसी भी दिन कुछ हाँ चूक ना जाए सर। हाँ बस यही है, 3-4 वो आई है सर, वो पोछा वोछा अपना जो जो आज सीख लेंगे, और जिसका कर है तो मतलब ये भी झाड़ू वाड़ू अपना सब लगा ले किसी तरह से जाए फिर पिटो पर। हाँ बस यही कहना। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो है आपने अपना एक्सपीरियंस दिया, और जितने भी